सरकारी स्कूल से बच्चों का नदारद होना और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का इस कदर इकट्ठा होना बिहार सरकार के शिक्षा व्यवस्था और प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। ये बच्चे अब देख रहे हैं कैमरे के सामने, चुलबुलाहट शुरू कर दिया है उन्होंने। वो कुछ बतलाना चाहते हैं, कुछ कैमरे के सामने बोलना चाहते हैं। हम उनसे बातें करेंगे और अब हम ये आपको दिखा रहे हैं जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए डाला है। हम कुछ पेरेंट्स से बातें करेंगे कि क्या वजह है, क्या सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था नहीं थी या उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इस कारण उन्होंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स या इस तरह के डीएवी स्कूल में डाला है। मैडम, आपके बच्चे हैं, आप कौन सा बच्चा है, कितने बच्चे हैं? दो हैं। आपने किसी सरकारी स्कूल में भी ट्राई किया था अपने बच्चों को? शुरू से आपने ही डाला। कुछ खास वजह बताएंगे डालने का? क्या वजह है अपने अपने बच्चों को यहाँ डाला? सरकारी स्कूलों में जो नहीं होती। आपका दो बच्चे हैं, दोनों को आपने यहाँ कब डाला, कितने क्लास से? LKG से। अभी किस क्लास में? सिक्स और फाइव में। आपको लगता है कि यहाँ सरकारी स्कूल से पढ़ाई की जो व्यवस्था है अच्छी है? सरकारी स्कूल में पढ़ाई है ही नहीं, सुना आपने इनका कहना है सरकारी विद्यालयों में तो पढ़ाई होती ही नहीं। आपके भी बच्चे हैं, कब डाला आपने? हाँ जी, लास्ट ईयर। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे। पहले किस क्लास में थे, अभी किस क्लास में? अभी क्लास में बेटा है और यूकेजी। हम कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं के भी विचार हम जानना चाहेंगे कि क्यों उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ डाला। आपके बच्चे हैं यहाँ, कितनी क्लास में हैं? एक फाइव एट सिक्स में। क्या वजह है आपने यहाँ डाला, क्या वजह है आपने यहाँ डाला है डीएवी में? डिसिप्लिन अच्छा है। सरकारी स्कूल में आपने कभी देखा है, वहाँ पे कैसा है? सरकारी स्कूलों से लोगों का इतना मोह भंग हो चुका है कि वो जाना भी नहीं चाहते सरकारी स्कूलों में। आपके बच्चे हैं यहाँ? अच्छा, यहीं पढ़ते हैं। आप गृहिणी हैं या काम करती हैं? क्या है? अच्छा, आप उनके साथ हैं। आपके बच्चे यहाँ हैं, कितने बच्चे हैं आपके यहाँ जी? एक ही लड़का है। कितने क्लास में आपने दिया था? अभी कितने क्लास में? अभी फोर ही में। अच्छा, आपने सरकारी स्कूलों में भी ट्राई किया था? नहीं। नहीं,
क्यों वहाँ पे क्या दिक्कत होती है जी? क्या लगता है वहाँ क्या दिक्कत हो सकती थी? अच्छा, इनका भी कहना है कि डायरेक्ट वो इसी स्कूल में ही देना चाह रहे थे और उन्होंने इसी स्कूल में बच्चे को दिया भी, सरकारी स्कूल में उन्होंने ट्राई भी नहीं किया। और अब हम बातें करेंगे कुछ बच्चों से। मैं, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ जी, क्यों सर मार रही हो, बोलो। प्रीति किस क्लास में पढ़ती हो? सेवन में। अच्छा बताओ, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार में उप मुख्यमंत्री कौन है? नहीं पता। अच्छा, हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? डिप्टी चीफ मिनिस्टर, क्या तुम बता सकती हो हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? नहीं पता है। ओके, बच्चे शायद बताने में असमर्थ हो रहे हैं कि तुम बताओगे हु इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? डू यू नो हु इज द? यस, ओके। सो आउट ऑफ दिस वन कुड स्पीक दैट तेजस्वी यादव इज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ। ओके, अच्छा तुम बताओ, 12 × 8, 12 × 8 = 20. तुम किस क्लास में पढ़ती हो? फोर में। ओके, तुम्हारा मैथमेटिक्स कमज़ोर है, ठीक है। ओके, तो आप देख रहे हैं ये डीएवी का, डीएवी के बच्चे हैं जो कुछ बतलाना चाह रहे हैं। हम और भी बातें करेंगे और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, सहयोगी सौरभ के साथ राजेश कुमार, बिहार न्यूज़ डॉट इन से।